टीवी एक्टर शहजादा धामी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है से हर घर में छा गए थे। शो में उन्हें अरमान के रोल में ऑडियंस ने काफ़ी पसंद किया, लेकिन रातों रात उनकी पॉपुलैरिटी कंट्रोवर्सी का शिकार हो गई। जी हाँ, शो के मेकर्स ने शहजादा धामी को रातों रात शो से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। एक्टर पर अनप्रोफेशनलिज्म का भी आरोप लगा, जिसके बाद से ऐसा लग रहा था कि मानो एक्टर टीवी इंडस्ट्री से दूर हो जाएंगे। लेकिन अब एक्टर के हाथ एक नया प्रोजेक्ट लग गया है और शहजादा धामी ने अपने नए शो की झलक फैंस को भी दिखा दी है। वेल, शहजादा धामी जल्द ही टीवी स्क्रीन पर कमबैक करने वाले हैं और इस बात का खुलासा उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक पिक्चर शेयर कर दिया है, जिससे फैंस तो काफ़ी एक्साइटेड हो गए हैं। इस पिक्चर में कैमरा मॉनिटर दिखाई दे रहा है, जिसकी स्क्रीन पर शहजादा धामी भी नजर आ रहे हैं। उन्होंने अपना लुक काफी नॉर्मल रखा है, लेकिन आंखों पर चश्मा लगाया हुआ है, जिसमें वो काफी हैंडसम नजर आ रहे हैं। इससे वो अरमान जैसे तो बिल्कुल भी नहीं लग रहे। शहजादा ने इन पिक्चर्स के साथ कोई भी कैप्शन नहीं लिखा है, लेकिन फैंस इस पर ढेर सारे रिएक्शन देते नजर आए। कई फैंस शहजादा की नई शुरुआत से काफी एक्साइटेड दिख रहे हैं। इस पिक्चर को देखने के बाद कई लोग ऐसे अंदाज़ा भी लगा रहे हैं कि शहजादा धामी नागिन 7 में नज़र आने वाले हैं। हालांकि अभी तक मेकर्स या शहजादा धामी की तरफ से कोई भी ऑफिशियल अपडेट सामने नहीं आई है। वेल, शहजादा कौन से शो में नज़र आएंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। शहजादा धामी के इस कमबैक के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपने अभी तक फिल्मी बीट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो उसे भी लाइक करें। बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहें फिल्मी बीट।